आशा और तृष्णा कभी किसी की नहीं मिटी। जिन राजाओं के पास बड़े बड़े महल थे उन्होंने भी और दूसरों राजाओं के ऊपर आक्रमण किया, दूसरे प्रदेशों पर, और एक महल के 10 महल बनाना चाहा, लेकिन फिर भी वो निराश ही रहे। आशा कभी खत्म मिटती नहीं है संसार की, बढ़ती जाती है अवश्य। एक गरीब आदमी आशा करता है कि मेरे पास एक सुंदर सा घर हो जो मैं मेरे बच्चों को पालूं, थोड़ा बहुत 10-20 हजार रुपए बैंक में पड़े हों, इमरजेंसी में मेरे काम आए, इससे बड़ी आशा नहीं होती। लेकिन एक जो मिलियनर्स है और बिलियनर्स है उसकी तो आशा बहुत बड़ी होती है, 10 गुना बड़ी होती है। बिलियनर्स 1 बिलियन के 10 बिलियन बनाने को उत्सुक होता है, प्यास जागृत होती है उसकी, तृष्णा भभकती है। अब ये 10 बिलियन बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्यास को बुझाना चाहता है। जैसे एक प्यासा आदमी क्या करेगा, बहुत प्यासा यदि हो कोई तो क्या करेगा, प्यास बुझाने के लिए सारे काम छोड़ देगा और प्यास बुझाना चाहेगा, चाहे उस प्यास बुझाने के लिए कुछ भी करना पड़े, चोरी से किसी के दुकान से बोतल भी उठानी पड़े या 100 कोस जाना पड़े पानी के लिए। सिकंदर गुजर रहा था एक बार रेगिस्तान से, एक फकीर एक बाबा जी मिल गए उनको, हाथ में लोटा था उनके में पानी का, और सिकंदर बड़ा प्यासा था, इतना प्यासा था कि थोड़ी आधा घंटे भी पानी नहीं मिले तो शरीर छूट जाए। अब मूर्छित हुआ, प्यास से घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, पानी की तलाश में इधर से उधर घोड़े को दौड़ाने की चेष्टा करता था। आखिर वो बाबा जी प्रकट हो गए, वहां मिल गए उनको कि सिकंदर प्यासा है। बोला हाँ बाबा मैं प्यासा हूं, क्या जल है तुम्हारे पास? बोला हाँ मेरे पास 1 लोटा जल है, ये जल मैं तुमको दे सकता हूं लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, तुम बड़े सम्राट हो, मुझे क्या दोगे इसका इसके बदले में बोलो, तुम्हारे कुछ ही देर में प्राण निकल जाएंगे, आंखों में प्राण आ रहे हैं, शरीर गिर शिथिल होता जा रहा है, बोलो ऐसी अवस्था में, और चारों तरफ रेगिस्तान में जल नहीं है, यही मेरे पास ही जल है 1 लोटे में, क्या दोगे? बोलते यदि आप ऐसी बात है कि बिना लिए दिए जल नहीं देते और पूछते हो क्या दोगे, तो मैं आपको मेरी जान की रक्षा के लिए मेरी आधा राज्य भी दे सकता हूं लेकिन मुझे जिंदा रहना है। ठीक है सिकंदर, लेकिन मैं तुमने बहुत अच्छा बोला है, लेकिन मैं आधे राज्य में तुम्हारे आधे राज्य में जल को नहीं देना चाहता, और तुम अब मरने वाले हो, अब मरे फिर भी तुम और थोड़ा बढ़ा नहीं सकते कुछ, आधे राज्य में तो मैं नहीं दूंगा। सिकंदर कहता है कि अगर ऐसी बात है कि मैं मरने वाला हूं और आप मुझे आधे राज्य में भी ये जल का लोटा नहीं देना चाहते, तो मैं कहता हूं मैं मेरा पूरा राज्य भी तुमको दूंगा लेकिन मैं मेरी प्राण रक्षा तो करूं। सिकंदर आप ठीक बोला, तुम पूरे राज्य को देना चाहते हो इस 1 लोटे जल के बदले में, तो आप सोचिए कि तुम्हारे राज्य की तमाम राज्य की कीमत क्या है, 1 लोटा जल। अरे भले आदमी मैं तो मजाक कर रहा हूं, ये ले जल पी ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जंगल का राजा हूं, महात्मा हूं, फकीर हूं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं तो बात कर रहा था कि तुम चारों तरफ ये त्राहिमाम हो रही है, लोग दुनिया मार काट मचा रहे हो, 1 देश जीतूंगा 2 देश जीतूंगा पूरा विश्व जीतूंगा,
पूरा धन विश्व का मेरे खजाने में होगा। क्या वैल्यू है तुम्हारे उस धन की? ऐसी ठीक अवस्था सिकंदर की जैसी अवस्था मूर्छित आदमी की होती है, असुर वृत्ति में जीने वाले आदमी की, राक्षसी वृत्ति में जीने वाले की। सारे संसार को अपनी गोद में समेटना चाहता है और वो असली तत्व को भूल जाता है जो आनंद का खजाना है, परमात्मा। अपने आप को भी भूल जाता है मूर्छित। मूर्छित को क्या पता मैं कौन हूं? तो उसकी मोह आशा, उसकी बड़ी बड़ी आशाएं होती हैं असुर की, राक्षस की, कि एक बिल्डिंग बनाई, दो बनाई, तीन बनाई, एक लंदन में, एक जर्मन में, अभी मैं जगह जगह बड़े से बड़े ताजमहल होटल बनाऊंगा, 5-star होटल, फिर मैं ये करूंगा, सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं हूं कलाकार, मेरे जैसा कोई नहीं। मोह आशा, व्यर्थ की आशाएं, मोह कर्माणो, व्यर्थ के कर्म, जिन कर्मों को करने से घृणा पैदा होती है, ऐसे कर्म करने लग जाता है। ये आशाओं को पूर्ण करने के लिए न जाने आदमी क्या क्या करता है। जीव को संतुष्ट करने के लिए तमाम जानवर खा के देखता है, ये कैसा लग, मुर्गा कैसा लगता है, तीतर कैसा लगता है, हिरण कैसा लगता है, खरगोश कैसा स्वाद है, हाथी में कैसा स्वाद है, गाय में कैसा स्वाद है, बंदर का में कैसा स्वाद है, कंगरू में कैसा स्वाद है। सारे मनुष्य के बच्चों को भी मनुष्य खा रहा है, छुपके छुपके सही, केसेज होते हैं, खा रहे हैं लोग। हो सकता है कि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़े और पृथ्वी पे अन्न भी पैदा नहीं हो, कुछ अकाल पड़ जाए, जानवर खत्म हो जाए, तो मनुष्य क्या करेगा फिर? कमजोर मनुष्य को ताकतवर मार के खाएगा, यही करेगा। और ऐसी अवस्था आ सकती है यदि महायुद्ध नहीं हो तो। घृणित कर्म करता है, व्यर्थ के कर्म जिनको नहीं करना चाहिए, शुद्ध कर्म करना चाहिए। ये सुंदर शरीर मिला है मनुष्य का, मोह आशा मोह कर्माणो, मोह ज्ञाना, व्यर्थ का ज्ञान कलेक्ट करता है, व्यर्थ का ज्ञान, जिस ज्ञान की जरूरत नहीं है। मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसा, मूर्छित अवस्था में सारे काम होते हैं। जब आदमी अनकॉन्शियसली अपने जीवन को जीता है तभी ये सब काम होते हैं, सारे व्यर्थ के काम होते हैं। व्यर्थ की आशा करता है, व्यर्थ के कर्म करता है, असुर की तरह, राक्षस की तरह। जैसे रावण के दिल में क्या था? स्वर्ग में सिद्धि चढ़ाने के लिए। अरे स्वर्ग में जो पूर्ण कर्म करके पहुंचता है वही पूर्ण खत्म होने पर नीचे गिर जाता है, फिर सीढ़ी चढ़ा के कोई जा सकता है भला? धुआं में नहीं निकलेगा, आग में से, आग में से धुआं नहीं निकलेगा, यह भी रावण ने प्रयास किया। अरे धुआं स्वभाव है आग का, आग में से स्मोक निकलता ही है, कैसे छुपाओगे? लेकिन व्यर्थ कर्मों में फंसा हुआ आदमी अपने सर काट काट के शिव जी को चढ़ाता है अजर अमर होने के लिए। अरे कोई भौतिक शरीर से अजर अमर हुआ है? अजर अमर ही होना है तो आपको वैकुंठ में जाना पड़ेगा, इटर्निटी में प्रवेश करना पड़ेगा। सर काटने से आप अजर अमर नहीं हो सकते। कोई देवता के आशीर्वाद से हो सकता है कि आपकी आयु थोड़ी बड़ी हो जाए, या आपकी कोई सिंह से या वीपन से, अस्त्र शस्त्र से रक्षा हो जाए,
लेकिन शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, कैसे आप अजर अमर हो जाएंगे? अजर अमर शरीर प्राप्त करना है तो आपको वैकुंठ में जाना पड़ेगा, वहां स्पिरिचुअल बॉडी आपको मिल जाएगी। लेकिन राक्षस इस चीज को नहीं जानता। राक्षस अपनी ताकत को, बुद्धि को व्यर्थ कामों में लगाता है, सही कामों में नहीं लगाता। इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर मस्तिष्क भगवान ने दिया कि इस मन के द्वारा परमेश्वर तक को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन नहीं, नरक के मार्ग में इस मन को प्रेरित करता है, जाने देता है, ढीला छोड़ता है, बुरे कर्मों में, घृणित कर्मों में, पाप कर्मों में लगाता है। मने मनुष्याणाम कर्म बंध मोक्षयो, ये मन ही तो है जिससे मनुष्य शब्द बना है। मनुष्य शब्द ही मन से बना है। मन एव मनुष्याणाम कर्म, ये मनुष्यों के अंदर जो मन है यही संसार में बंधन का कारण है, नरक तक जाने का कारण बन जाता है मन। छोटी योनियों में, पशुओं की जातियों में चला जाता है हमको लेकर के ये मन, और यही मन प्रभु से भी मिलाने की क्षमता रखता है यदि इस मन को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, भगवान के भजन में लगा दिया जाए, भगवान के ध्यान में लगा दिया जाए, भगवान के श्रवण में लगा दिया जाए, कथा कीर्ति कीर्तन सुनने के सत्संग में डाला जाए, डाला जाए। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, मन अगर बुरी क्रियाओं में फंसता है तो हमारी हार होती है अवश्य। यहां हम कितनी भी बिल्डिंग ऊंची उठा के देखें, उससे क्या होता है, ये शरीर फैल जाता है, चले जाते हैं आप। बिल्डिंगें भी एक दिन फैल जाती हैं, खंडर बन जाते हैं, नाम निशान मिट जाते हैं, मिट गए हैं। बड़े बड़े सम्राटों के नाम निशान मिट गए तो आपका नाम निशान कहां रहेगा? भूदेवी पृथ्वी माता बोलती है राजा, एक महान राजा को, सम्राट जो पृथ्वी के हैं, कि ये सम्राट तुम्हारे जैसे असंख्य राजा मेरे ऊपर राज करके गए हैं, और उन सबने, उनमें से करोड़ों ने ये बोला कि मैं महीपति हूं, मैं भूमिपति हूं, मैं पृथ्वी का सम्राट हूं, मैं पृथ्वी का भोक्ता हूं। आज उनके नाम निशान नहीं मिटते मिलते, कहीं उनके बनाए हुए किले नहीं मिलते, कहीं उनकी हड्डियां नहीं मिलती, कहीं उनकी मिट्टी भी तो नहीं मिलती, कोई निशान उनका छोड़ा हुआ मिलता नहीं। आज तुम बड़े अहंकार से कह रहे हो कि मैं भूपति हूं, छोड़ दो, त्याग दो ये झूठा अहंकार, और अपनी जनता की सेवा में लग जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। उस परमेश्वर की सेवा में लग जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत सहा, तो ये मूर्छित अवस्था, मोघ ज्ञाना विचेत सहा, तो ये मूर्छित अवस्था में ये सब काम होते हैं, व्यर्थ का ज्ञान इकट्ठा करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं। लोग एक एक चीज का ज्ञान इकट्ठा करते हैं, ये चिड़िया कहाँ, कौन से देश की है, साइबेरिया की है या भारत की है या अफ्रीका की है, या अरे चिड़िया है, बोल रही है डाल पे, क्या इतना कम है, फूल है, खिला हुआ है, ताज के लिए हुए खुशबू दे रहा है, इतना जान लेना क्या कम है। मनुष्य है, इतना जान लेना क्या कम है। ईश्वर है, ये जान लेना क्या कम है। मोग आशा मोग कर्माणो
मोह ज्ञाना विचित सहा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। ऐसे मूर्छित लोग राक्षसी या आसुरी प्रकृति के वशीभूत रहते हैं, यानी इनके अंदर जो गुण होता है वो आसुरी गुण होता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर, या राक्षसी गुण होता है जो पतन का कारण होता है। राक्षसों का पतन होता है, असुरों का भी, क्योंकि वो अपने बल और बुद्धि को सही मार्ग पर उपयोग नहीं करते, व्यर्थ चेष्टा करते हैं, व्यर्थ कर्म करते हैं, व्यर्थ आशा करते हैं और मदहोशी में बेहोशी में जीवन जीते हैं, सुरापान मद्यपान करते हुए, सुंदरियों की बाहों में रातें बिताते हुए। एक डॉक्टर ने किसी को बोला कि तुम्हारी उम्र 6 महीने की है, इससे ज्यादा नहीं जियोगे। उसने आके अपने दूसरे मित्र को बतलाया, उसने दूसरे मित्र से पूछा कि यदि तुमको कोई डॉक्टर बोलेगी तुम 6 महीने ही जिंदा रहोगे तो तुम क्या करोगे 6 महीने के अंदर। बड़ा पैसे वाला था वो मित्र, उसने बोला कि सबसे पहले मैं सारे मेरे कारोबार बंद करूंगा और उनको बेच के सारा पैसा स्विस बैंक में डालूंगा और फिर बड़े बड़े 5-स्टार होटलों में जाके और जो राजा भी नहीं खा सके ऐसे खान पान करूंगा और अनेक अनेक रातों में अनेक अनेक सुंदर अप्सराओं जैसी सुंदरियों को मंगाऊंगा, कितना भी पैसा लगे मेरा सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट करूंगा, सुंदर से सुंदर शान शौकत से 6 महीने तक जीऊंगा। अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी ग्रैंड ओपनिंग अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी 114-15 अटलांटिक एवेन्यू रिचमंड हिल न्यूयॉर्क। तेरे किसी भी जानकारी ली लिखे नंबर आते कॉल करो अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी रिचमंड हिल।